बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऑर्गेनिक प्रोमिस वालों का रेटिनोल मशरूम सीरम का रिव्यू दूंगी। ये सीरम आप इसे इंस्टाग्राम, अमेज़ोन और दराज तीनों से मंगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे किसी बड़े कॉस्मेटिक स्टोर से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटे कॉस्मेटिक स्टोर से आपको नहीं मिलेगा, तो इसको आपने किसी बड़े कॉस्मेटिक स्टोर से ही खरीदेंगे। तो इसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप इसे सेल से वगैरह से ख़रीदेंगे तो ये आपको 1500 रुपीज़ में मिलेगा। ये 30 ml की बोतल है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसमें क्या चीज़ मौजूद है। तो इसमें रेटिनोल है, नियामाइसिन B3 है इसमें, और हाइलोरोनिक एसिड है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपकी स्किन को फेयर और क्लियर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अब आप इसे कब इस्तेमाल कर सकते हैं और किस एज में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसे 20 के बाद अपनी स्किन प्रोडक्ट में आप इसे शामिल कर सकती हैं। तो आप इस सीरम को अपने फेस पर, अपनी नेक पर आपने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इसके यूज़ करने का भी तरीका बताया गया है। सिर्फ इसकी एक जो बात है वो ये है कि इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि इसमें रेटिनोल और दूसरे जो एसिड है हाइलूरोनिक एसिड कितनी मकदार में यूज़ किया गया है। तो इसका जो रिज़ल्ट है, अगर आपने बिगनर हैं, आप शुरू में आप इसे यूज़ कर रहे हैं कि अभी आपने आपके फेस पे अगर थोड़ी सी फाइन लाइन या रिंकल्स या फिर आपकी अनइवन स्किन है, तो आपने इसे अभी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप इस ऑर्गेनिक सीरम को इस्तेमाल करिए तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा आपके फेस पर फाइन लाइन है, रिंकल है, तो फिर इसको आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि रेटिनोल मशरूम सीरम जो है वो स्किन के किन प्रॉब्लम पर जो है काम करता है। तो रेटिनोल सीरम जो है इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस, रिंकल, स्किन टोन, टेक्सचर एंड जो रेडियंस। रेटिनोल सीरम जो है इस जेंटल है या डिफेक्टली विच मेक्स इट कन्वेंटेंट फॉर द डेली यूज़ विद एट स्ट्रिपिंग द स्किन। दिस सीरम आल्सो प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ एंटी एजिंग बेनिफिट टू, तो आइडियल फॉर द स्किन टाइप, ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए जो है ये आइडियल है। अब यहाँ पर इन्होंने इसके इस्तेमाल का तरीका बताया हुआ है। आपने थोड़ी सी अमाउंट में आपने जो है रेटिनोल जो सीरम है, मशरूम सीरम आपने लेना है अपनी पाम पे ऑफ योर हैंड एंड जेंटली अप्लाई इट ऑन डैम्प स्किन। टू यूज़ दिस प्रोडक्ट आप इफ़ेक्टिवली अप्लाई इट इवेंटली टू योर फेस एवरी डे। तो और यहाँ पर इन्होंने इसकी एहतियात में बताया कि आपने इसे अपने लिप्स और आइज से आपने बचाना है, अवॉइड करना है, कोशिश करें कि ये आपके होंठों पर और अपनी आँखों पर आपके ना लगे। आपने सिर्फ अपने अपने फेस पे, अपने अपने नेक पे इसे इस्तेमाल करना है। यूज़ इट नाइट ओनली, आपने इसे सिर्फ रात के टाइम ही इस्तेमाल करना है। अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ सीरम आफ्टर अ क्लिनजिंग एंड मिस्टिंग में बी यूज एवरी नाइट, आपने रात को इसको लगाना है और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है आपने अपने फेस को साबुन से या किसी अच्छे फेस वाश से आपने वॉश कर लेना है। इसे 20 के बाद जो है हर एज वाले यूज़ कर सकते हैं, आल स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी हार्श है और ये थोड़ा सा जो है ऑयल बेस में है सीरम है। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से खूबसूरत सी पैकिंग में आपने एक से दो पंप जो है अपने पाम पे लेने हैं और फिर आपने इसे अपने फेस पर अच्छी तरह से जेंटली जेंटली आपने मसाज करना है टिप टिप करते हुए। तो ये जब आपकी स्किन में जज़ब हो जाएगा तो ओवरनाइट आपने इसको लगे रहने देना है। सुबह फिर आपने किसी भी अच्छे फेस वाश से या फिर सोप से आपने अपनी स्किन को जो है वाश कर लेना है। ये आपकी स्किन पर, आप किन चीज़ों पर काम करेगा, एक्नी पर काम करेगा, अगर आपकी स्किन अनइवन है तो इसे इवन टोन बनाएगा, रिंकल को ख़त्म करेगा, आपकी फाइन लाइंस को ख़त्म करेगा, ख़ास पर फोरहेड पे जो हमारी फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करें, ये आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगा। जो है इस सीरम को मैंने खुद यूज़ किया है तो मैं इसके बाद ही आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, तो वाकई इसका रिज़ल्ट है। लेकिन ये कि ये इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, जिसे आप कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जैसे हम इस्तेमाल करेंगे हमारे फाइन लाइंस गायब हो जाएंगे, हमारी एक्ने ख़त्म हो जाएंगे, तो एकदम से नहीं होगा, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। आपको 1 वीक के अंदर हल्का सा आपको रिज़ल्ट आना नज़र आना स्टार्ट हुई। हाँ, अगर आप बिगनर हैं और अभी आपकी फाइन लाइंस अभी आना स्टार्ट हुई हैं और हल्की हल्की सी हैं, तो फिर आपको 1 वीक में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और अगर आपके लॉन्ग टर्म से आपके फेस पर अनइवन है, एक्ने है और रिंकल और फाइन लाइंस है, तो
फिर आपको तकरीबन 1 मंथ में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप इसे ख़रीदने से पहले ये वीडियो देख लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।